देश में कोरोना वायरस का संक्रमण धीरे धीरे बढ़ता हुआ तेज हो गया है। इसके खिलाफ पूरे देश की जंग जारी है। लॉकडाउन का आज 21वां दिन है। पूरे देश में 3 राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की संख्या कहीं रिकॉर्ड न तोड़ते। दिल्ली, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कोरोना के मरीजों की संख्या 1000 के पार पहुंच गई है, जबकि महाराष्ट्र में तो ये आंकड़ा दुगना है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा भी जोर पकड़ चुका है। देश में कोरोना मामले भले ही कितने भी बढ़ जाएं, लेकिन लॉकडाउन के चलते बाकी देशों की तुलना में हमारे देश की स्थिति काफी बेहतर है। लेकिन राहत की बात ये भी है कि देश के 15 राज्यों के कुल 25 जिले बिल्कुल कोरोना फ्री हैं, जहां कोरोना का एक भी केस सामने नहीं आया है। इस बात की जानकारी खुद स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। महाराष्ट्र के बूंदिया, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, दुर्ग और बिलासपुर, कर्नाटक के देवनगिरी, उडुपी, तुमकुरु और कोडगु, केरल के वायनाड और कोट्टायम, मणिपुर के वेस्ट इम्फाल, गोवा के साउथ गोवा, जम्मू कश्मीर के राजौरी, मिजोरम के आइजोल वेस्ट, पुडुचेरी के माहे, पंजाब के SBS नगर, बिहार के पटना, नालंदा, मुंगेर, राजस्थान के प्रतापगढ़, हरियाणा के पानीपत, रोहतक, सिरसा, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल और तेलंगाना के भद्राद्री कोटागुडम। आपको बता दें कि ये देश के ऐसे जिले हैं जहां 14 दिनों पहले कोरोना वायरस के मरीज मिले थे। इसके बाद यहां के स्थानीय प्रशासन ने लॉकडाउन को बेहद सख्ती से लागू किया। इसमें स्थानीय लोगों का भी सहयोग मिला। इसका नतीजा ये हुआ कि यहां पर 2 सप्ताह बाद कोरोना वायरस का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे बेहद सकारात्मक रिपोर्ट करार दिया है। अगर ऐसा ही सहयोग पूरे देश से कोरोना के खिलाफ मिले और लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें, तो आने वाले दिनों में सभी राज्यों के सभी जिले कोरोना मरीजों पर नियंत्रण पा सकते हैं। न्यूज़ डेस्क।